उज्जैन में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी के केंद्र की मोदी सरकार को लेकर दिए हम दो हमारे दो के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यह देश गंभीरता से नहीं लेता है, जिसे यह पता नहीं हो कि कहां सोना है और कहां बोलना है, उसके बयान को क्या गंभीरता से लेना। वह तो संसद जहां बोलना चाहिए वहां वह सोते दिखते हैं और जहां खाट पर सोना चाहिए वहां वह सभा करते दिखते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि जो आदमी नैन मटक्का के साथ संसद का उपयोग करता हो उसकी बात को क्या गंभीरता से लेना। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी पिछले दिनों एक रीट्वीट कर अपनी पार्टी के युवाओं को मैदान में आने की बात कही थी, लेकिन पार्टी का युवा तो आंदोलन बीच में छोड़कर इटली छुट्टियां बिताने चला जाता है। जिस राहुल गांधी को यह ही नहीं पता कि कब कहां क्या करना है क्या नहीं, उसको कौन गंभीरता से लेगा। कांग्रेस के इस आरोप पर कि जब किसान और बेरोजगार दुखी हैं तो इस तरह के प्रशिक्षण के क्या मायने पर गृह मंत्री ने कहा कि जिनके घर शीशे के हो वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। उन्होंने कहा कि किसान दुखी है तो कांग्रेस के कारण, उनकी कमलनाथ सरकार ने किसानों से झूठ बोला, उन्हें धोखा दिया। दरअसल है क्या कि अभी दिग्विजय सिंह जी ने भी एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था युवाओं को जनता के बीच जाना चाहिए। उनका भी ट्वीट इसी तरफ था, वो युवाओं में, क्योंकि वो जनता के बीच की जगह इटली चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। और जहाँ तक आप उनकी बात कर रहे हो तो उनको तो कितना भी सिखा लो आप, वो पूर्ण हो ही नहीं सकते। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, संपूर्ण कभी नहीं होता कोई व्यक्ति, जैसे मैं नहीं हूँ। बदले हुए परिवेश में पूरा ज्ञान अर्जित करने के लिए अगर व्यक्ति को लगता है कि कोई कमी रह गई है तो उसके लिए अभ्यास वर्ग जरूरी है। बदली हुई टेक्नोलॉजी में, बदली हुई परिस्थिति में हम नया कुछ कर सकें, सीख सकें, उसके लिए वर्ग है, इसके लिए मैं आया हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।